परितेश्वर, आज बड़ा खुशी का दिन है और सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। भारी मात्रा में आप लोग आए हैं, आज जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि आप लोग ने काफ़ी कॉन्फिडेंस और प्यार दिया है मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया भाई कर्मियों के लिए। आज मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका गाने का टाइटल नाम है जब से भैलू जवान। गाना तो उसमें हम हमारे मेरे गाने में साथ दी हैं हमारी मित्र हैं, दोस्त हैं, अलीशा खान ने, जो कि टाइटल सॉन्ग गाया मेरे साथ ही इन्होंने गाया है। और इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर चार मॉडलें हैं जिनका नाम है निकिता जी हैं और सोनिया जी हैं, शिवा शेख हैं और अंजलि जी हैं। तो इनकी बदौलत गाना नहीं बन पाता, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता है कोई भोजपुरिया बादशाह बोलता है मुझे, आप ही लोगों ने ही मुझे नामकरण किया है भोजपुरिया बादशाह, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बड़ी बहुत खुशी होती है। सर, सबसे बड़ी बात ये है, संजय भूषण पटियाला पहली बार प्रोड्यूसर बने हैं जी, वो दो लोगों की पारी की शुरुआत हुई है, भोजपुरी में तो बहुत बड़ा नाम है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, आज फर्स्ट टाइम नहीं किए संजय जी ने, संजय जी ने दो तीन गाने और किए हैं। एक इन्होंने प्रोड्यूस किया था उस गाने सुना सुना बबनी, जिसमें के गोस्वामी उसमें मॉडल थे, मेरे साथ थे, और उसमें उदेश मिश्रा जी थे, बेलूशंकर बेलू थे, भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, ये लोग साथ में रहे हैं, तो इनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और काफ़ी और ये तो मुझे लगता है दूसरा या तीसरा गाना है संजय जी के साथ, उनका साथ उनका प्यार मोहब्बत हमेशा मिलता रहता है, उनके साथ काम करके बड़ा मुझे अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगता है। और डायरेक्ट किया है अपना शिवा देवनाथ जी ने, उनका सेकंड सॉन्ग है मेरे साथ उनके साथ, वो भी ज़बरदस्त उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ये लोग गुणी लोग हैं संजय जी, इन लोगों के लिए तारीफ करना मतलब तारीफ से भरे ऊपर, बहुत ऊपर की बात है, इन लोगों के साथ ये हों शिवा जी हों, तो I'm lucky। कितने अगर बात करें आपका जो पहनावा है, एक ड्रीम लेकर यूपी से यहाँ तक आए हैं बिहार से, तो क्या बनना है अगर बात करें तो? जी, बनना तो वही है जो कपड़े में दिख रहा हूँ जो पहना हूँ क्योंकि ये जो शुरू से रहा है एक रैप एक अंदर घुसा हुआ है मेरे शरीर के अंदर, एकदम जिस्म में घुसा हुआ रैपर बनने का, और
एक बिहार से जुड़ा हूँ तो भोजपुरी और हिंदी मिक्स करके गाने गाता हूँ। कभी कभी पूरे भोजपुरी में भी हमने रैप किया हुआ है, बहुत सारे गाने हैं, 30 के ऊपर गाने हो गए, और मैं 3-4 साल हो गया करते हुए। तो अभी उस लेवल पे है कि वो एक जो चाहिए उस लेवल तक भाई आप लोग माध्यम से लोगों ने जानते हैं लोग भी, बड़ा अच्छा लगता है। और नए नए कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ गाने में। अब जैसे ये है सब जैसे भैलू जवान, और लड़की जब हो रही है और हॉट बेब लग रही है, सुंदर खूबसूरत लग रही है कुछ पहनावा से, तो उसके ऊपर क्या कमेंट्स है कैसे है, ये सब दिया हूँ। ये सब गाने हैं उसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग जब हमारे ऑफिशियल चैनल है रैपर हितेश्वर का, वहाँ पे देखेंगे सुनेंगे, वीडियो ज़बरदस्त बना हुआ, प्लीज़ आप लोग भी देखें वहाँ पे। बादशाह जी, अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल यही क्यों रखा गया, जब से भैलू जवान, इसके बारे में बताइएगा। अरे तो बच्चे के बाद लोग जवाने ना होता है वो तो जवान जैसे हो रहा है, तो जवान मतलब खूबसूरत लग रहे हैं आप। तो लड़की जब जब भी आगे जवान हो रही है तो उसके ऊपर कमेंट्स है, कमेंट्स के अच्छे वाले हैं, खराब नहीं, तारीफ किया जा रहा है लड़कियों को गाने के थ्रू। अगर पोस्टर में बात किया जाए और सामने बात किया जाए, दामाद जो है बहुत ही मतलब हैंडसम लग रहे हो, उसके पीछे क्या राज है? कुछ राज नहीं है इसमें, क्या है मतलब पहनावा है, पर्सनैलिटी है, हो सकता है पर्सनैलिटी ऐसी अच्छी हो मेरी, तो उसके हिसाब से मैं हैंडसम अच्छा लग रहा हूँ। और पहनावा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए अभी चश्मा देख लीजिए, ये सब देखिए, सब बड़े मेहनत से ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। आइडियल किसको मानते हैं इसको, क्योंकि जो लुक है आपका रैपर का, एक स्टाइल होता है रैपर का, चलने का, बात करने का, चश्मा, टोपी, चेन, हर चीज अलग होती है जी, तो आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? आइडियल तो हमारे बादशाह ही रहे, बादशाह कहीं ना कहीं मुझे लग रहा हूँ, तभी लोग भी बोल रहे हैं, और मुझे उनका गाना बहुत पसंद भी है, सॉफ्ट रैप करते हैं बादशाह, और मैं उन्हीं को आइडियल मानता हूँ। अब एक इवेंट में मैम से मुलाकात हुई, और ये खुद एक खूबसूरत मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, तो मौका मिला इनको हमारे साथ काम करने के लिए, तो इन्हें टाइटल गाना गाया है, जब से भैलू जवान सबके करे लू परेशान, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े जवान, इन्होंने गाया है, हालांकि उनका गाना गा दिया मैंने। एक्चुअली मैं संजय भूषण पटियाला को बहुत सालों से जानती हूँ, क्योंकि हम एक ही शहर से हैं, पर थोड़ा सा मेरा अलग ट्रैक रहा, थिएटर वगैरह और एक्टिंग सिंगिंग क्लासिकल में सीखती भी हूँ। तो एक दिन अचानक हम मिले थे, तो इन्होंने कहा कि गाना है तो थोड़ा तुम अगर गा सकोगी तो मेरे लिए थोड़ा सा भोजपुरी डिफ़िकल्ट था उस समय, मतलब मुझे बोलने में थोड़ा सा होती है डिफ़िकल्टीज़, तो मुझे लगा पता नहीं मैं सही कर पाऊँगी कि नहीं, पर उसके बाद जब भी मैं स्टूडियो गई और मैंने लिरिक्स देखा तो मैंने बहुत आसानी से आई थिंक मैंने गा दिया था, उतनी मुश्किल नहीं हुई, तो मुझे लगा कि मैं गा सकती हूँ आगे भी, मतलब भोजपुरी सॉन्ग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब लिरिक्स भी काफ़ी अच्छा था, और इनका साथ था, इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि मतलब कैसे करना है, नहीं तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा इनके साथ काम करके। नई शुरुआत है हितेश्वर जी भोजपुरी में रहते हैं, अगर बात करें तो आपको क्या लगता है ये रास्ता बहुत आसान है आपके लिए या कठिन है, क्योंकि भोजपुरी का नाम सुनते लोग साइड हो जाते हैं भोजपुरी है, लेकिन आप इसकी छाप बनाएंगे, आप तन मन धन से लगे हुए। जब गाँव से चले थे जी बहुत मुश्किल था, ट्रेनें में बहुत मुश्किल हुआ था, वहाँ से दिल्ली गया था, दिल्ली से बम्बे आया, जब इतना मुश्किल सफ़र हमने यहाँ तक पहुँचने में लगा लिया है तो आदत सी पड़ गई है, सब स्ट्रगल करना, मेहनत करना, मेहनत से हम घबराते ही नहीं हैं, और कुछ अच्छा करना चाहते हर वक्त, तो तारीफ मिले तो और डर जाते हैं, अरे तारीफ हो रहा है तो डर सा अंदर घुस जाता है, तो मेहनत वाले लोग हैं, हमें क्या किसी से डरना, किसी कंपटीशन नहीं है, हर वक्त हर समय अच्छा सोचता हूँ कुछ कि कुछ नया करूँ रैप में, लोग कर भी रहे हैं, तो मेरा मकसद है कि भोजपुरी में कुछ किया जाए, भोजपुरी में करूँ, करता हूँ, करता रहूँगा भी। मैम आपको जो है सर के साथ जो है काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही कूल माइंड के इंसान है, तो मुझे काफ़ी, मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी तो ऐसा लगा नहीं है कि मैं पहले नहीं मिली हूँ, या किसी ऐसे कभी अनजान लोगों से आप मिलते हो थोड़ा ऑकवर्ड फील होती है, बट इनसे मिल के मुझे वैसा कुछ लगा नहीं, बहुत फैमिलियर टाइप के इंसान ही है, तो मतलब इस वजह से बहुत हमने इजी वे में हमने वो रिकॉर्डिंग कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी मतलब कुछ नहीं हुआ था कि, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था, तो यही इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया था। पीछे कुछ
सरलिन चोपड़ा का भी है क्या इस एल्बम में, है आपके साथ में या पोस्टर में? ना नहीं जी, ऐसा कैसे डाल देंगे जी, लफड़ा हो जाएगा। वो उन वो हैं, चीफ गेस्ट हैं। कंट्रोवर्सी होती जब भी चीजें आगे बढ़ती है। अरे साहब ऐसा खैर आप लोग बोलते हैं, सलमान कोई भी हो तो कंट्रोवर्सी होती है। वो आ रही हैं, रास्ते में हैं जी, तभी डाला गया है नाम, नहीं तो बाप रे आजकल क्या नहीं क्या कर देते हैं लोग, सू कर देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ना सू। बहुत छोटा सकल नजर आ रहा है, क्या चारों दबा दिया आपको मार के? अब अच्छी बात, मतलब खूबसूरत लड़कियां ने दबाई इसलिए बड़ी गट्स फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है हमें। गाने से क्या उम्मीद है आपको? अरे पूरा उम्मीद है साहब, गाना क्या, बस गा दिया और अच्छा सूट हुआ है, अच्छी हमारे साथ खूबसूरत इन्होंने काफ़ी अच्छा मॉडल ने इन्होंने साथ दिया है मुझे, तो हमें अच्छा है, भी पॉजिटिव। हाँ कहाँ अच्छा। जवानी तो हर चढ़ता हमरा के डसता, लाल लाल लिपस्टिक तोरा ऊपर जचता। जवानी तो हर चढ़ता हमरा के डसता, लाल लाल लिपस्टिक तोरा ऊपर जचता। जब से भैलू जवान सबके करेलू परेशान, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बूढ़े जवान। जब से भैलू जवान सबके करेलू परेशान, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बूढ़े जवान। सुन ले बेबी आती है तो आना, नहीं तो यहाँ से जाना, लड़कियों की लाइन है ना ही अपने पास टाइम है। आप सुना है कि सोनू सूद को लेकर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खबर मिली है थोड़ा थोड़ा हमें कि कुछ उत्तर भारतीय आपके पास पहुंचे हैं कि वहाँ पे गाना बनाया जाए, कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपका है जी? हाँ कुछ बहुत सारे तो हो रहे हैं, सोनू सूद के घर के नीचे खड़े रहते हैं लंबे कतार में लोग बहुत सारे, तो हमने एक बार निरीक्षण किया था, गया था देखा, अभी बहुत लोगों का तो वहाँ पे लाइन लगी हुई है, किसी का काम होता है किसी का नहीं भी होता है। तो कुछ हमारे मित्र हैं तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया था, बताया था कि भाई यहाँ पे तो कुछ नेगेटिविटी भी बहुत सारे हैं, कि किसी का एक लेडीज़ है जो कि बोल रही थी कि अरे सोनू सूद आए, आने के बाद वो बोल रही थी चार दिन हो गया है लेकिन चार बार आ चुकी हैं लेकिन मेरा कुछ काम हुआ ही नहीं। तो ऐसे लोग भी घूम रहे हैं कि जिनका बिल्कुल उनके काम हो नहीं रहा है लेकिन होप पे खड़े हैं सोनू सूद के वहाँ पे। तो एक कुछ क्या होंगे उसके बारे बनाएंगे तो आप? हाँ क्या लाइनें रहेगी कुछ? अरे ऐसा क्या, आप काहे कंट्रोवर्सी डलवा रहे, आज मेरा गाना रिलीज हो रहा है तो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो जस्टिस मिलता भी नहीं है ना, लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। और हमारे एक मित्र हैं वहाँ पे, वो सबको समोसा खिला रहे थे, बताइए अब क्रेडिट भी किसको जा रहा है? सोनू सूद को जा रहा है, समोसा खिला रहे हैं, वो चाय पिला रहे हैं उन्हीं के नीचे जो भीड़ लगी हुई है सोनू सूद के घर के नीचे, पानी पिलाए उन्होंने सबको, लोग आए देखिए सोनू सूद के यहाँ से क्या क्या, देखिए सबको गरीबों के लिए खाना हो रहा है पानी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल वहाँ पे जो हमारे मित्र हैं पवन जी नाम है उनका, वो सबको खिला रहे थे। बहुत बड़ी बात है बादशाह जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या रहेगा और किस तरह से रहेगा? ऐसे ही रहेगा एकदम हॉट तरीके से, जैसे होता है जैसे दिखता हूँ एकदम एकदम अच्छा रहेगा। नया साल में भी कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा टाइम है 10-15 दिन के अंदर एक हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर एक गाना कर रहा हूँ। हाँ यार तू पवन ये लाइव कर रहा है क्या? सो दिलीप सर क्या कहना चाहेंगे, आपको म्यूजिक का बहुत अच्छा नॉलेज है, भोजपुरी का ये गाना है आज लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी गाने के लिए? पहले तो जितनी भी मीडिया यहाँ आई है इन सबको बहुत बहुत बधाई है कि मेरे अपकमिंग सुपरस्टारों को आप लोग आशीर्वाद देने आ गए हो, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक अपकमिंग स्टारों के लिए इतनी सारी मीडिया आना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, संजय जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और हितेश्वर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से ये पहली मरतबा आपने प्रयास किया है भोजपुरी में। नहीं 28-30 गाने हो गए हैं मगर मैं तो आपका क्योंकि जो हिट गाना आपसे सुना मैंने तो वो आपका पहला ऐसा गाना है जो ब्लास्टर होगा, मतलब लोगों के जहन में हो जाएगा। तो मैं हितेश्वर जी को, अलीशा खान जी को, सोनिया जी को, निकिता जी को, ये जितने भी इसमें कलाकार लोग काम करें इनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक संगीतकार होने के नाते जब कभी भी कोई म्यूज़िक की बात आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और इन बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि ये 2022 का ही नहीं 2023 का ही नहीं, मतलब ये पूरे जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी म्यूज़िक हिट रहेगा इनका, और ये बार बार जो भी कोशिश करेंगे अच्छी करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में वो इस गाने को सब्सक्राइब करें, सुनें और औरों को भी सुनाएं, यही मेरी इन लोगों के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं। सर रैप के इस दौर को कैसे देखते हैं आप?
किस तरीके से कंट्री साइज में पूछ रहे हो या कामयाबी के लिए पूछ रहे हो? देखो ऐसा, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहता हूँ कि रैप जो साउंड है या जो स्टाइल है ये आज के ज़माने का नहीं है, आज से 10,000, 20,000, 50,000 साल पुराना है। वो मैं अभी आपको एग्जांपल भी देना चाहता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली डांस मास्टर हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि रैप पैदा कहाँ से हुआ। लोग बोलते हैं ना कि संगीत ये रैप बाहर गाँव से आया, कहीं से नहीं आया, ये हमारे अपने छंद हैं। और मैं आपको शिव तांडव तो आपने सुना हुआ ही है, जटा कटा है सम्बर में भ्रमण नलिम पनीर जरी विलोल विचर, इसी तरीके से एक हनुमान तांडव है तो अब उसी से रैपर बना है। हनुमंत के लपेट दल गुरी की चपेट दल दूत को दपेट चरपेट चाकर नान बजे न कचा रत दत होत कटा कट गिरी सेने फटा फटे पटी पटी बारी कभी को किल लकार खिले जो हो जिल लकार पड़ी भेड़ भी लकार कटे राकर सनीता तह तेज को कुमार करी को बिसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवा। तूने मुझे जाना नहीं, तूने मुझे जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, चले मेरे घर पर आ जाऊँ, चाय भी पिलाऊंगा पानी भी पिलाऊंगा, जब चौपाटी पे ले जाके तो रोज घुमाऊंगा, कोई भी शब्द इसमें डाल सकते हैं हम। तो रैप जो ये इस तरीके के जो रैपर टाइप के गाना गाते हैं इन लोग, तो ये कोई बाहर के नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान का ही संगीत है। बट इसमें फोड़पना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी मैंने किसी के लिए कहा था, हालांकि मेरे को किसी से कोई दुश्मनी या कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक संगीतकार हूँ, तो संगीतकार होने के नाते मेरा यही मानना है कि आप कुछ भी करिए मगर अपनी सभ्यता को अपनी संस्कृति को मत भूलिए, शब्द ऐसे गाएँ और ऐसे सुन चॉइस करें कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के वो गाना सुन सकें और भी उसको देख के प्रशंसा करें लोग, और उस तरीके से जैसे दूसरों को। अब जैसे इन्होंने बादशाह की बात कही, मैं ये मानता हूँ कि हनी के बाद में अगर कोई प्यारा सा का अगर सिंगर आया है तो बादशाह जी हैं, क्योंकि बादशाह जी के गाने में आपको कहीं वल्गरिटी नहीं मिलेगी, वो हमेशा साफ सुथरा गाना बजाते हैं, बड़ी बीट भी बड़ी प्यारी बीट में वो करते हैं। तो अगर ये उनको फॉलो करके करें तो मुझे लगता है कि भविष्य इनका बहुत उज्ज्वल है। जिस तरीके से बादशाह ने आज अपना एक मुकाम बनाया इंडस्ट्री में, वैसे ये दोनों भी अपने इस इंडस्ट्री में मुकाम बनाएंगे, और इस सबको ये मेरी दुआ है इनको। सुनिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब इस तरह के लेजेंड कलाकार आपकी तारीफ करते हैं तो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है एज एन आर्टिस्ट? यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, और मैं हूँ सोनिया प्रजापत। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि लेजेंड के साथ और जब हमारे लिए कुछ तारीफें करते हैं ये, तो डेफिनेटली बहुत प्राउड फील होता है और हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। यही लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, और कॉन्फिडेंट यहीं से आता है। अगर कोई बड़ा कलाकार आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, और इसी से एक आर्टिस्ट को, एज ए आर्टिस्ट मैं अपना फीलिंग बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी एक्टिंग को या मेरे किसी भी मेरे टैलेंट को कोई सराहता है, तो मुझे बहुत प्रशंसा होती है और मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत शक्ति मिलती है, एक तरह से कहा जाए तो कॉन्फिडेंट मिलता है। तो या आई एम सो प्राउड और आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं आज यहाँ पे हूँ आप लोगों के सामने, और थैंक यू सो मच। सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? बिल्कुल, हितेश्वर बहुत टैलेंटेड इंसान है और मैंने इनके साथ फर्स्ट सॉन्ग किया है ये, जो कि रैप सॉन्ग है, और सुनने के बाद मुझे काफ़ी ये लाइक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है, शूट बहुत अच्छा हुआ है और हमने मस्ती मस्ती में पूरा शूट निपटा दिया, और आई एम सो ब्लेस्ड कि ऐसे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, और हमारे संजय जी और शिव नाथ जी बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। मगर एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, खास करके संजय भूषण जी के लिए, ये जिस दिन से मेरी इनकी मुलाकात होगी, बरसों हो गए हम लोगों को साथ में काम करते हुए, पर इन्होंने जिन जिस चीज़ को प्रमोट किया है या जिसके साथ जुड़े हैं वो हमेशा हिट रही है, वो चाहे फिल्म हो चाहे कोई ऐड हो या कुछ भी हो। तो मुझे फुल उम्मीद है कि जब से भवलू जवान ये एल्बम बहुत चलेगा, तो इसके लिए मैं संजय जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। थैंक यू। क्या बात है, चाहेंगे इस गाने के बारे में, हितेश्वर जी के बारे में और संजय भूषण साथ में आपके डायरेक्टर जो शिवाजी नाथ के बारे में। निकिता जी, मैं आपको नमस्कार, मैं निकिता शर्मा राजपुरोहित, आज हमारा फर्स्ट वर्ल्ड लॉन्च है यहाँ पे फर्स्ट, एंड मैं बहुत खुश हूँ एंड सर हमारे साथ है एंड रैप उन्होंने किया हितेश जी ने, हैप्पी आज के हम यहाँ पे, आप सब लोग यहाँ पे हमारे लिए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। शिवा जी आप बताइए। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी सारे टेक्नीशियन टीम का, और मैं ये कहना चाहती हूँ संजय भूषण जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और कास्ट किया, और शिवा देवनाथ जी ने मुझे बहुत ही अच्छा कॉपरेट किया, और मैं फर्स्ट टाइम रैपर सॉन्ग की हूँ, और हितेश्वर जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, ज़रा भी मुझे डर नहीं लगा
ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगी, पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा और बस मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ ये गाना बहुत ही आगे जाए और खूब तरक्की हो। बिल्कुल बिल्कुल, निकिता जी को, शिवा जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज यंग जनरेशन में जो गाने की जो लालसा जागी है, लेकिन अभी यंग लग रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कमाल हो गया। मैं तो ये तो इनका रिफ्लेक्शन मुझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें इसीलिए तो मैं बाबा बन के हर जगह आ जाता हूँ कि लोग बाग मुझ पे शक ना करें। मगर बहुत अच्छा हुआ यार, ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, नए बच्चे, आज मैं समझता हूँ युग जो आ रहा है संगीत का या म्यूज़िक का, क्योंकि अभी देखिए फिल्म में तो जल्दी से किसी को ब्रेक मिलता नहीं है या दूसरी फिल्मों में और कहीं मिलता नहीं, मगर इस बहाने अगर जो मिलता है ब्रेक और उसमें जो काम करने का, लोगों को अपनी कला दिखाने का जो मौका मिलता है, तो उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा और निकिता जी और शिवा जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि जो सपना लेके इस एल्बम से ये आगे चल रही हैं, ईश्वर अल्लाह भोलेनाथ इनकी वो कामना पूरी करें। लेकिन सर आज के समय में एक जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि म्यूजिक जो है लंबा नहीं चलता, जैसे आपके गाने हैं जिद्दी के गाने हो या अफलातून के, अभी भी सुनते हैं लोग। जी हाँ, आज के गाने का लॉन्गेविटी जिसको कहते हैं लंबाई जो होता है होती नहीं है। सर उसका कारण कई हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और हमारे संगीत को नहीं भूलना चाहिए। और जब हम लोगों ने जब काम किया तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर हम लोग सब बैठ के बहुत मेहनत करते थे, आज वो मेहनत होती नहीं। मगर अब जो ये प्राइवेट गाने आने लग गए हैं, इनका क्या है कि एक दायरा होता है, क्योंकि ये जब तक टीवी पे चलते हैं जब तक ये रहते हैं, और फिल्म का क्या दायरा बहुत लंबा है, वो मतलब एक साल नहीं, वो सालों साल चलती रहती है। तो उस बहाने वो हमारे म्यूज़िक यहाँ तक चलता आया और वो अच्छे थे और अच्छे बने और हमने कोशिश की अच्छा करने की। और मुझे इनकी हिम्मत इसलिए है कि जो हम लोग 10 साल में कमाते थे म्यूज़िक कंपनी हमारे म्यूज़िक से, वो इनके 1 महीने में ही कमा लेती है, क्योंकि इतने इनके व्यूवर्स बन जाते हैं करोड़ों में। तो आज का टेक्निकल जो स्टाइल है वो ज़्यादा है, तो उसमें ये कामयाब ज़रूर होते हैं। और रही बात देखिए, अब इस टाइप का जो म्यूज़िक होता है, तो मैंने कहा ना उसकी उम्र भले ही लंबी ना हो, मगर जितने दिन भी वो चलता है तो वो लोगों को एक सुकून देता है। निकिता जी आप बताइए, आपका जो कलाकार के तौर पे सफर शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या किया आपने, आगे क्या करने वाले हैं? मेरा सॉन्ग ये फर्स्ट है, पहले मैं मॉडलिंग किया, मैंने रैम शोज किए, मैंने एक्टिंग या मैंने शोज करने किए हैं, मतलब मूवीज वगैरह नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम किया मैंने सॉन्ग। वो भी निकिता जी आप रहने वाली कहाँ के हैं? मैं राजस्थान से हूँ। भोजपुरी गाने करके कैसा लगा, क्या इनके बारे में कुछ करना चाहेंगे, भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी? हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने भोजपुरी सॉन्ग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड पूरी टीम बहुत अच्छी थी, बाकी संजय सर अच्छे हैं, हितेश जी भी बहुत अच्छे हैं। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से किसी को जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ, निर्वाद जी को जानती हूँ मैं, बाकी क्या बोलते हैं वो कसारी है, केसारी जी को जानती हूँ, संजय भूषण जी को जानते हैं, संजय भूषण जी को नहीं जानते। संजय भूषण कभी आपने देखे हैं भोजपुरी फिल्मों के कोई गाने या म्यूजिक या फिल्म? हाँ, वो लगा ले लिपस्टिक वाला फेमस ज्यादा मैंने सुना है बहुत। लगाई ले लिपस्टिक का? हाँ हाँ। उनका नाम पवन सिंह है, पवन सिंह, वो मेरे फेवरेट एक्चुअली। हाँ, पवन जी से कुछ कहिए, कहिए कि भाई मैं भी आपके बिरादरी में आ रही हूँ, सॉन्ग करना चाहती हूँ उनके साथ, सॉन्ग नहीं करना मैं ये, इसका इन दोनों का ये कहना है कि जो उन्होंने किया था होली का किया था एक बार, जो थी आई थिंक फॉरेनर सी, उस टाइप का कुछ वैसा नहीं, तो ये आप के साथ, मतलब मैं पवन जी से भी कहना चाहूंगा, कसारी जी से भी कहना चाहूंगा, पवन सर से, और आप लोग ये नए नए कलाकारों को भी मौका दीजिए, क्योंकि ये लोग भोजपुरी फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इनके साथ भी काम करें, इनको भी आगे बढ़ाएं। सरवा पे पगड़िया बांध ले, कनवा पे कुलड़िया धिर ले, आगे आगे बैला चले, पाछे से किसनवा खितवा जाला रे। तुमने तो मेरे साथ में दो कन्याओं को बिठा कर मैं तो हीरो बन गया यार। सर क्या बात है, चेन बढ़ती जा रही है आपकी, हैं बपिता के बाद आपकी एक के बाद एक चेन बढ़ती जा रही है, ये आप लोगों की दुआएं हैं भैया। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं शुरू से ही मलंग टाइप का मेरा नेचर रहा है, अपने में मस्त रहने वाला, अच्छा। तो उस हिसाब से मैं रहता हूं, तो आपको जो भी ज़्यादा दिखे अच्छा ही दिखे। थैंक यू जी। मैं धन्यवाद देती हूं हितेश्वर जी को, शिवा जी को, और जो प्रोड्यूसर हैं संजय भूषण जी को, जो इन्होंने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया। जब से भैलू जवान ये जो भोजपुरी रैप गाना है,
इसकी सफलता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने सुना है कि ये बहुत ही बढ़िया रैप है एंड आगे चलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि एक से बढ़कर एक रैप गाने बनने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि हितेश्वर जी आप जी। इस ट्रेंड के जो हकदार हैं आप और भी बढ़िया गाने बनाते रहें और एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन लेकर आएं भोजपुरी इंडस्ट्री में। वाओ, थैंक यू सो मच। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब इंडस्ट्री में आए थे, आपका ये बड़प्पन है कि आप आई और यहाँ पे हितेश्वर जी के इस खुशी के माहौल में शामिल हो रहे हैं, आप जो है तो आपको कौन सपोर्ट किया था शुरुआत के दौर में जब आप इंडस्ट्री में कदम रखे थे? आई हैव ऑलवेज बीन अ सेल्फ मेड वुमन। किसी माए बाप का हाथ नहीं था मेरे सर पर और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे कभी किसी माए बाप की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं खुद में विश्वास रखती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं रब पर विश्वास करती हूँ और मुझे यकीन है कि अब तक जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ और आगे चलकर जो भी होगा उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। ये भी कहा जाता है भोजपुरी का एक इवेंट है कि भोजपुरी में डबल मीनिंग गाने होते हैं, थोड़ा चीपनेस होता है, लेकिन ये तो बॉलीवुड में भी होता है। गाने की बात करें तो या फिल्मों की बात करें या सीरीज की बात करें तो ये कितना ज़्यादा एक मतलब हिपोक्रेसी कर सकते हैं, क्योंकि फिल्में तो फिल्में हैं बॉलीवुड से व्हेन यू कंपेयर भोजपुरी इंडस्ट्री विद द बॉलीवुड इंडस्ट्री। जी वो क्या कहावत है जो शीशे के महलों में रहते हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली दूसरों पर पत्थर से वार नहीं करना चाहिए। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो गाने होते हैं उनमें कितने डबल मीनिंग्स होते हैं ये हम सबको पता है और मेरे ख्याल से जब तक लोगों को मज़ा आ रहा है और लोगों में उत्साह पैदा हो रहा है तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जहाँ पर यदि मनोरंजन हम ना करें हमारे दर्शकों का तो फिर फ़ायदा क्या है? ऑलरेडी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस होता है, हम क्यों दुख बांटें, हम क्यों ना खुशी बांटें, क्यों ना हम मनोरंजन करें? और इस मनोरंजन के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। मैं वन मोर थिंग, आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम है जी, लेकिन जो सेलिब्रिटीज कम्युनिटी की बात करें तो कितना ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए जब आप कुछ करते लिखते हैं या कुछ आप यू नो संदेश देना चाहते जी। हैं जी, हाल ही में आपको पता है रिचा चड्ढा ने जो एक जी जी किया, मतलब बेसलेस, बहुत ही शर्मनाक, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना गैर जरूरी था ये चीज़ करना, वो भी सोल्जर्स के बारे में जो इतना ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं हम सुरक्षित हैं जी। देखिए मनोरंजन की अपनी एक जगह होती है, देश की गरिमा से बढ़कर कोई मनोरंजन नहीं होता है और ख़ास तौर पर भारतीय सेना की गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है हम देशवासियों के लिए। कल ऋचा चड्ढा ने जो किया, जो ट्वीट पोस्ट किया वो बहुत ही शर्मनाक था। 15 जून 2020 में गालवान की घाटी में क्या हुआ हम सब जानते हैं, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उन शहीद जवानों का कल ऋचा चड्ढा ने मजाक उड़ाया, इसके लिए वो माफ़ी पाने की हकदार भी नहीं है। और झूठ मूठ का वो एक ट्वीट अपलोड करके कहती हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन नहीं, उस ट्वीट में रिमोर्स बिल्कुल नहीं था, यानी वो अपने किए पर पछतावा महसूस नहीं कर रही थी, झूठ मूठ का वो दिखावा कर रही थी। तो मुझे लगता है हम सबको आगे चलकर ऋचा चड्ढा को बॉयकॉट करना चाहिए, उन तमाम कलाकारों को बॉयकॉट करना चाहिए जो देश के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते हैं, जो देश का मान सम्मान नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ये सोचते हैं कि देश की सेना उनके जेब में होती है, वो जब चाहे देश की
सेना का मजाक उड़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या कभी उन्होंने देश के लिए अपना लहू बहाया? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, नौटंकी करते हैं, विज्ञापन करते हैं, पैसा कमाते हैं। देश के लिए कभी कुछ किया इन लोगों ने? और जो लोग खून पसीना बहा रहे हैं देश के लिए, ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हिम्मत हम देते हैं उन्हें, लेकिन आगे चलकर अगर हम उनकी फिल्में बॉयकॉट करें, उनकी फिल्मों को बहिष्कार करें, तब उन्हें समझ में आएगा कि इस तरह की गलती अगर वो दोबारा करेंगे तो उनका क्या हश्र किया जाएगा। मैम, ऋचा चड्ढा तो एक छोटी सी बात है, नई स्टार है, इतनी बड़ी नहीं कह सकते। एकता कपूर ने भी आर्मी को लेकर बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्सी में रही है, जिसके लिए करनी सेना था, क्या क्या बहुत सारे एनजीओ सामने आ गए थे, संसद तक मामला पहुंच गया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, बोलते अच्छा है और हमेशा लोगों की नजरिया होता है देखने का। जी देखिए, मैं फिर से यही बात दोहराना चाहूँगी कि इन लोगों को हिम्मत और हौसला ये सब कहाँ से मिलता है? दर्शकों से मिलता है। इन्हें लगता है कि ये सब करना चलता है। नहीं, आप कहीं और जाकर करिए, किसी और देश में आप करने की जुर्रत तो कीजिए। आपको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी के नाम पर लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल। ड्रग्स के मामले में आपने रोज लाइव रहते थे, हम देखते थे आपको, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनका, धड़ल्ले से घूम रहे, उनका पब्लिसिटी हो गई उनकी, तो उनको तो 1% भी वो नहीं है कि हमारी बदनामी हुई है। आपने भी काफी लाइव किए, हमने देखा जी। क्या है मतलब, देश में कोई कुछ भी कर सकता है? ड्रग्स के मामले में आप काफी चिल्लाए, आपने बोला ये जी। देखिए, जिनको हम कल तक अपना आदर्श मानते थे, वो बंद कमरे में क्या करते हैं ये हम सब जानते हैं। मीडिया के सामने आकर डिप्रेशन के नारे लगाते हैं, रिपीट आफ्टर मी, हाँ, डिप्रेशन इज नॉट अ डिसीज, ऐसा बोलते हैं ये लोग। मैं कहती हूँ रिपीट आफ्टर मी, ड्रग कंजम्पशन इज नॉट कूल। आप ड्रग्स का सेवन करते हो, चरस गांजा पीते हो, हाँ, और पता नहीं क्या क्या लेते हो, कोकेन, MDMA, मैजिकल मशरूम्स, पता नहीं क्या क्या और नाम है जिनकी मुझे जानकारी नहीं है। आप इन नशीली पदार्थों का सेवन करते हो और फिर कैमरा के सामने आकर बोलते हो आई एम डिप्रेस्ड, हाँ, डिप्रेशन के नारे लगाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप युवा पीढ़ी को अंधकार में ढकेल रहे हैं। अरे, जो मजदूर सुबह शाम मजदूरी करता है दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, क्या वो डिप्रेस्ड नहीं रहता लाइफ में? अरे, उसको तो ये तक नहीं पता कि कल उसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, दो वक्त की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जी रहा है ना वो हिम्मत करके। हाँ, आप लोगों का खुद का घर है, नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फिर भी डिप्रेशन 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 बोलते रहते सुबह शाम, शर्मानी चाहिए आप। मतलब किस तरह का आप उदाहरण बन रहे हैं लोगों के लिए? आप साफ साफ बोल दो ना मीडिया के सामने आकर के, देखिए हम आपके आदर्श बनने लायक नहीं हैं, साफ साफ ये बात बता दो, तो कोई आपसे ये उम्मीद नहीं रखेगा कि आप एक रोल मॉडल की ज़िंदगी बिताएं। जो मन चाह करें आप, नशा करना चाह रहे करो, लेकिन बोल दो, अपने फैंस को बोलो कि देखो मैं आपके आदर्श बनने लायक नहीं हूँ, तो प्लीज़ कृपया मुझे आदर्श मत मानो। मैम, श्रद्धा मंडल के इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कल श्रद्धा जी के लिए मैं एक कैंडल मार्च में भाग लेने वाली हूँ। जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। किसी इंसान को ऐसी मौत नसीब ना हो। लव जिहाद को एक्ट ऑफ टेररिज्म का करार देना चाहिए, जिस तरह से आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर जी को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे झूठ मूठ का प्यार व्यार किया, उसके बाद
उनको उस रिश्ते से बाहर निकलने नहीं दिया और रोज़ाना उनके साथ खिटपिट करते थे, मारपीट करते थे। और जब वो बेचारी वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकी, वो निकलना चाह रही थी उस रिश्ते में से, लेकिन उसको निकलने नहीं दिया गया। और ये तक हमें पता चला है कि श्रद्धा वालकर जी ने मुंबई पुलिस को ये बताया, ये शिकायत दर्ज की कि उन्हें डर है इस बात का कि आगे चलकर उनका प्रेमी आफ्ताब पूनावाला उनके शव के टुकड़े करके उन्हें ख़त्म कर देगा। और जिस बात का डर था वही हुआ। मैम, जो जब भी मुंबई पुलिस को जब भी लेटर मिला था, क्या नहीं लगता था मुंबई पुलिस को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए था? बिल्कुल, ये कोई नॉन कॉग्निजेबल शिकायत नहीं है, कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी इस शिकायत की, एफआईआर दर्ज करना चाहिए था आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं किया मुंबई पुलिस ने, क्योंकि उस समय शायद मुंबई पुलिस बहुत व्यस्त थी ये वसूली के कार्यक्रम में बहुत व्यस्त थी हमारी मुंबई पुलिस। अभी भी आफ्ताब जो है बयान चेंज कर रहे हैं, पुलिस को सच्चाई पूरी नहीं बता रहे, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट होने वाला है उनका, क्या कहना चाहेंगे इस पर, सच्चाई निकल सकती है? देखिए, मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द वो तमाम बातें आफ्ताब पूनावाला उगल दे जो अभी तक वो अपने दिल में दबा कर रखा है, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि श्रद्धा जी के शव के टुकड़े आरी से किए गए थे या किसी किचन नाइफ से किए गए थे। वो जो वेपन था वो क्या था, आरी था या कोई छुरी थी, क्या था वो? तो जब तक वो वेपन ना मिल जाता है, तब तक मेरे ख्याल से ये साबित कर पाना कि हत्या कैसे हुई और जो वेपन यूज़ किया गया था वो क्या था असल में, उस पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, एंड जो हड्डियां मिली हैं श्रद्धा जी की, वो उसमें डीएनए का सैंपल मैच होता है कि नहीं होता है, ये सब जो कड़ियां हैं इन्हें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्द दिल्ली पुलिस एकदम पुख्ता सबूत इकट्ठे कर सकें आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ, ताकि उनको सजाए मौत दिया जा सके। 22 तारीख को खुद जो है आफ्ताब ने जो है खुद जो है कबूला, हाँ मैंने मर्डर किया था गुस्से में आके, क्या लगता है? नहीं, गुस्से में आकर कोई किसी इंसान के 35 टुकड़े नहीं कर सकता है। ये एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत अपराध किया है, और ये हम सब समझते हैं, जानते हैं, पुलिस भी इस बात से मतलब पुलिस को ये जानकारी है कि हाँ ये एकदम गुस्से में आकर करने वाली कोई हरकत नहीं है। बहुत ही इत्मीनान से उसने किया था, और उसने ये भी कहा कि बीच बीच में ब्रेक लेकर वो फिल्में भी देखता था। जी भाई, आप क्या कहेंगे, आप निर्देशक हैं इसके, और हितेश जी के बारे में जिनका ये एल्बम है, और शैलिन मैम जो आई है अपना बहुमूल्य समय निकाल के। शैलिन जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई कि, और आपको शुक्रिया मेरी तरफ से कि आप मेरा एल्बम के लिए आए हैं। और दूसरी बात कि फर्स्ट टाइम मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, फर्स्ट टाइम एक गाना मैंने कोरियोग्राफी किया और डायरेक्शन भी किया। अभी देखते हैं आगे कितना, मतलब दर्शक कितना उसको पसंद कर पाए। और हितेश सर जी का दो गाना हमने बनाया है, अभी पहले भी एक गाना बनाया था, दूसरा गाना है अभी। अगर दर्शकों को इसको अच्छा लगे, हमारा कोरियोग्राफी या तो गाना अच्छा लगे, तो ऐसा बनते रहेगा। मैम लास्टली ये जानना चाहूँगा कि एक्चुअली ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन 5 days बिफोर क्या चार्जशीट डायर हुई है राजकुंद्रा आपके और पूनम पांडे के खिलाफ ऑप्शन केस को सेपरेट करने के लिए? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक चार्जशीट मुंबई पुलिस ने दाखिल की, और उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है, किसको आरोपी बताया है, किसको विक्टिम बताया है, ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यानी मेरी लीगल टीम डिस्चार्ज अपील के लिए
फाइल करेगी। मैम अगर बात करें आज आए हैं जी, आप भोजपुरी में पवन सिंह के साथ काम करने के लिए काफी सुना जा रहा है कि फिल्म करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस बारे में, खबर है ये? ऐसा कुछ नहीं है, बट यस, अगर कोई अच्छा ऑफर मिलता है देन व्हाई नॉट। मेरे ख्याल से कोई इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री किसी से छोटा या बड़ा नहीं है, और मैं काम का सम्मान करती हूँ, अगर कोई अच्छा किरदार मिले मैं उसे बखूबी करना चाहूँगी। आपकी नज़र में भोजपुरी में कौन है जो एक ड्रीम हो कि उसके साथ काम करना है? बड़े बजट की फिल्में भोजपुरी में भी ऐसा नहीं है, छोटी भोजपुरी निरुआ जी और रवि किशन तो अब नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, क्या कर रहे हैं? अभी करते हैं बीच बीच। अच्छा, बीच बीच में करते हैं जब समय मिलता हो। तो अभी आजकल कौन चल रहे हैं वहाँ पर? पवन जी और केसरी, केसरी लाल। अच्छा, केसरी लाल, ओके। हाँ, तो पवन जी, केसरी लाल जी, इस माध्यम से मैं आपको ये संदेश देती हूँ कि हम इंतजार कर रहे हैं। अगला गाना के दोस्तों के साथ आप करेंगे? अरे why not? आज जब मुझे WhatsApp पर इनका गाना आया मिला, तो सुनते सुनते मैं ये बोल सीखने की कोशिश कर रही थी। क्या है? जब से भैलू जवान सबके करेलू परेशान, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े जवान। थोड़ा बोलिए। जब से भैलू जवान सबके करेलू परेशान, सबके करेलू परेशान, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े जवान, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े, तोरे आगे पीछे डोले लौंडे बुढ़े जवान, बुढ़े जवान। नहीं, क्योंकि उसमें मेरा आरोपी भाग लिया है और उसकी शक्ल मुझे नहीं देखनी है, मी टू आरोपी साजिद खान, तो उसकी शक्ल अवॉइड करने के लिए मैं बिग बॉस सीजन 16 नहीं देख रही हूँ। जिस दिन वो बेदखल हो जाएंगे उस दिन मैं देखना शुरू करूँगी। जी, तो ये कितनी सच्चाई इसमें या क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कंट्रोवर्सी है, कुछ क्या है? तो कि बिग बॉस से आते आपका निशाना रहेगा? देखिए, बिग बॉस से कब आ रहा है? मैं बताती हूँ आपको, अगर एक लड़की किसी पर आरोप लगाती है, यौन शोषण का आरोप, बलात्कार का आरोप, तो उसके लगाए आरोपों की जांच पड़ताल कौन करेगा? ऑप्शन ए, राखी सावंत करेगी, ऑप्शन बी, पुलिस करेगी, ऑप्शन सी, न्यायालय करेगी। मेरे ख्याल से सबसे पहले पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए पीड़ित महिला की, आरोपों की, उसके बाद वो एक निष्पक्ष जांच करने के बाद फैसला लें कि FIR दर्ज करना लाजमी है या नहीं। ऐसे में अगर कीड़े मकोड़े बीच में आकर नौटंकी करना शुरू करें, ये बोलना शुरू करें, मैं वही बोल रही हूँ ऐसे में अगर कुछ लोग बीच में जबरदस्ती टांग अड़ाकर कहने लगे कि अरे ये आरोपी तो मेरा भाई है, ये तो मेरा ये है, ये तो मेरा वो है, तो हम इसका क्या मतलब निकालें? न्याय ये गुहार लगाना हर किसी का संवैधानिक हक है। मैंने पुलिस से कहा कि देखो, साजिद खान ने मेरा यौन शोषण किया, अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे आरोपों की जांच पड़ताल करे। ऐसे में जो लड़की मी टू आरोपी साजिद खान को अपना भाई मानती है, वो बीच में टांग अड़ाकर बोलती है नहीं। आप सबको पता है, अरे जो लड़की आजकल, जी जी, उसको पता भी है कि ऋचा चड्ढा ने किया क्या? मतलब ये होना चाहिए ना समझने के लिए कि देश में क्या हो रहा है। दिखता है तो दिखता है मैडम, आजकल कुछ भी बोल जाते हैं। जो कुछ लोग हैं जो एयरपोर्ट से घूम के वापस आ जाते हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं, उससे जाकर पूछो कि क्या उसको पता है कि गालवान क्या है। हाँ, 2020 में गालवान में क्या हुआ था, इस बात की जानकारी है या नहीं? या 24 घंटे ये नकली बाल एक्सटेंशंस,
हाँ लेकिन वो टाइम वही है, चर्बी की दुकान मानते हो, कोई चीज चलती है आजकल। कुछ लोग हैं कपड़े निकाल कर रोड के ऊपर चलते हैं, एयरपोर्ट जाके घूम के वापस आ जाएंगे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे तो पब्लिसिटी हो जाएगी जी। एयरपोर्ट देखिए फ्लाइट में ही बैठे हैं, क्या करना चाहेंगे, फ्लाइट में नहीं बैठते लेकिन एयरपोर्ट घूम कर आ जाते हैं। कुछ लोग गिने चुने लोग हैं क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए आपको जो करना है करो, आपको हर दिन बॉयफ्रेंड बदलना है बदल डालो, हर आए दिन आपको अपना पति बदलना है आप बदल डालो, आपको हर दिन हेयर एक्सटेंशंस बदलने हैं आप बदल डालो, कोई बात नहीं, आपको जिस तरह की ज़िंदगी जीनी है आप जियो, लेकिन आप किसी से उसका संवैधानिक हक नहीं छीन सकते, ठीक है। और अगर आप किसी पीड़ित महिला पर वार करोगे तो वो पीड़ित महिला पलटवार करेगी, ठीक है। हम तनुश्री नहीं है, हम सनी लियोन नहीं है। सनी लियोन ने एक इंटरव्यू में कहा अरे वो तो यूजलेस है, उसके बारे में बात करना ही बेकार है, ऐसा कहकर उसने कभी जिंदगी में उसके बारे उस कॉकरोच के बारे में बात नहीं की। लेकिन मैं बोल रही हूं सुन, कान खोल कर सुन, तू मुझ पर जब जब वार करेगी हम पलटवार करेंगे, तू एक पीड़ित महिला को बाजारू वैश्या बोलेगी तो तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराने हम जाएंगे पुलिस में, ठीक है। और आप सब सुन लीजिए एक बात, एक दलाल हर महिला में एक वैश्या की तलाश करता है, एक वैश्या को खोजता है, हाँ। तो अगर किसी को किसी महिला को वैश्या बोलना हो तो वो समझ ले कि वो कौन है, क्योंकि ऐसी हरकत एक दलाल ही करता है। अगला स्टेप क्या है आपका, आखिरी सवाल, अगला स्टेप क्या है आपका, पुलिस ने आपकी सुनी आपकी? जी अच्छा, देखिए जब मैं अम्बोली पुलिस गई थी, अम्बोली पुलिस ने कहा कि ये बंदी बहुत ही गंदी बातें आपके खिलाफ बक रही है। मैंने कहा सर आप प्लीज़ अलीबाग पुलिस में ज़रा कॉल करके पता लगाइए ना कि क्या ऐसी घटना कभी घटी या नहीं, मीडिया के सामने आकर बोलती है सुनो सुनो सुनो। मैंने अलीबाग पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को रंगे हाथ पकड़ लिया, पता है क्या करते हुए, वैश्या व्यवसाय करते हुए पकड़ लिया। तो अलीबाग पुलिस को अम्बोली पुलिस ने कॉल करके पूछा कि बताइए इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं। अलीबाग पुलिस ने कहा कि हमारे पास तो इस तरह की कोई FIR है ही नहीं जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम दर्ज हो बतौर आरोपी, ऐसी कोई FIR है ही नहीं। तो वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लड़की सुबह शाम अपनी काल्पनिक दुनिया में जीती है। हाँ सरलीन जी, आपको भविष्य में राजनीति में पॉलिटिक्स में आने का विचार है, क्योंकि आप काफी अच्छा बोल लेती हैं, मुझे लगता है कि काफी आप ऊंचाई पे जाएंगी अगर पॉलिटिक्स में आती हैं। आपका मैं भी दिल्ली से हूँ और रात दिन मैं अच्छे अच्छे नेताओं के साथ रहता हूँ, तो वो सब कला है आपके अंदर जो काफी अच्छा आप कर सकती हैं। आप बताइए क्या आपका विचार है। धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा सोचा मेरे बारे में जी। मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़कर देश की राजनीति का हिस्सा बनूँ, और यू नो राजनीति के बाहर रहकर दोष देना बहुत आसान होता है, अरे सरकार ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही है ऐसा वैसा, लेकिन राजनीति के अंदर जाकर राजनीति का हिस्सा बनकर देश के लिए कुछ करना और यू नो समाज के लिए कुछ भला करना, ये मेरे ख्याल से अब ये मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। हमारे बिहार में एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी जी, जिसके अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के सुपुत्र हैं जी, और लोकसभा मेंबर हैं जी। क्या आप उनके पार्टी से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में आज की डेट में काफी उनका डिमांड है और आने वाले समय में हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। अच्छा, और एक वो अभी पहले वो अभिनेता भी थे। अच्छा, उनकी पार्टी में कितने MLAs हैं? काफी सारे हैं और अच्छा। काफी अच्छा पार्टी उभर के आ रही है। ओके। ये मैसेज मैं उनको दूंगा, आपका कुछ है बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में जुड़ने का? जी मेरे कई दोस्त ऐसा कहते हैं कि मुझे राजनीति का, क्योंकि ये मैसेज है ना जी, वो दिल्ली के लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के पास। ओके,
तो जी मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मैं राजनीति का हिस्सा बनूं और मैं बहुत जल्द बनना चाहूंगी और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहूंगी, खास तौर पर पीड़ित महिलाओं के लिए, उनके लिए मैं आवाज़ उठाना चाहूंगी। और कमिंग बैक टू यू नो द इवेंट, हितेश जी मन ही मन सोच रहे हैं हे भगवान बात कर लो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्लीज आप गाइए और हम सभी लड़कियां ठुमके लगाएंगी। आओ जी।